माई नेम इज़ विशाखा सिंह। मैं SD में लास्ट 2 ईयर से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने SD 12th क्लास में ज्वाइन किया था, जिसमें जब मैंने लास्ट ईयर 2020 में अपना नीट दिया था तो उसमें मेरा स्कोर 446 था, लेकिन फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया। फिर से मैंने SD से प्रिपरेशन की अपनी नीट की। यहाँ पे टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं और SD के टीचर्स कभी भी अगर तुम कोई भी डाउट लेके चले जाओ, कभी भी तुम्हें मना नहीं करेंगे, हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं और तुम्हें मोटिवेट करते हैं। तो जब एक साल की प्रिपरेशन के बाद, इतना सपोर्ट मिलने के बाद SD से, मुझे जब मैंने इस साल नीट 2021 का पेपर दिया तो मेरे मार्क्स 524 आए हैं इस बार। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी स्कोर अपना पिछली बार से गेन किया है और ये सिर्फ और सिर्फ SD की वजह से हुआ है। अगर कोई भी डाउट हमारा क्लासरूम में क्लियर ना हो तो यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेल भी है, जैसे कि उसे हम DCC बोलते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा स्टडी रूम में भी रुक रहा हो या कोई भी घर से भी आना चाहे अपने, तो वह आराम से अपने डाउट्स पूछने के लिए यहाँ पर आ सकता है। टीचर्स हमेशा यहाँ पर अवेलेबल होते हैं हमेशा। नीट के लिए स्कॉलर डेन की फैकल्टी मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर तुम किसी भी बड़ी कोचिंग में चले जाओ, वहाँ पे बहुत, एक तो वहाँ पे बहुत रश होता है और वहाँ पे टीचर्स तुम्हें अवेलेबल बिल्कुल नहीं होते, और यहाँ पे क्या है कि टीचर्स तुम्हें अवेलेबल होंगे और भीड़ भी इतनी नहीं है, तुम आराम से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। और जो VT सर ने स्टडी रूम का अपना जो नया क्राइटेरिया बनाया है कि स्टडी रूम में बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि घर पे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, तो स्कॉलर डेन बहुत अच्छा है नीट की कोचिंग के लिए।